सम्मानीय नवीन जी की ये मूर्ति हमारे स्कूल के लड़कियां देख नहीं पाएगी, ये सच है, लेकिन इसे स्पर्श करके वो लोग अनुभव कर सकते हैं वो कितने महान हैं। हम लोग स्कूल कमेटी के तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। मैं विशिष्ट समाज सेवक रविंद्रनाथ चौधरी महाशय को इस बारे में कुछ कहने की अनुरोध करती हूँ। यहाँ उपस्थित सज्जनों और छात्राओं, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि नवीन मंडल मल्लिक नवीन मल्लिक एक बहुत ही कंजूस इंसान है। अरे नहीं, लेकिन आज नवीन जी ने ये साबित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि उनके बारे में लोग जो गलत सोचते हैं वो कितनी बड़ी गलती है। आज इस महान दाता ने हमारे इस स्कूल कमेटी को 50,000 रुपए का डोनेशन दिया है। ताली बजा। बस यही नहीं, आज ये महान वीर उनकी पत्नी के हाथों से अलग से 10,000 रुपए नगद दान कर रहे हैं हमारे स्कूल की ब्लाइंड बच्चियों की भविष्य के लिए। इतनी कंजूसी मत करो। इतने दिन बहुत पैसे कमाए हो, अब थोड़ा दान करना भी सीखो। दीजिए। अब नवीन जी कुछ कहेंगे। जो लिखा है इसमें पढ़ दो। उपस्थित महिलाएं और महिला, धीरे हाँ। उपस्थित सभी महिलाएं और सभी पुरुषगण, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को स्कूल वालों ने जो इतना सम्मान दिया है, सभापति बनाया है, उनके प्रति हम सचमुच अशेष कृतज्ञ हैं। तालियां। इन दृष्टिहीन कु दृष्टिहीन कुमारियों के लिए समाज में एवं हम जैसे दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इनकी ओर से होकर सभी अभिभावकों को, आपका जवाब नहीं, नवयुवकों से कहूंगा, आप लोग आगे बढ़िए। युवकों उठो, नए जमाने के होनहार युवक, इनकी मांग में सिंदूर भरकर इन्हें नया घर दो। तालियां। इन्हें जीवन संगिनी बनाकर इनका जीवन जो सुना है उसे खुशियों से भर दो, क्योंकि इन्हें परिवार बढ़ाने का हक है, सपने देखने का हक है। धन्यवाद। तालियां। कैसे गई? हाँ। एक जरूरी सूचना है, आज श्री नवीन चंद्र महाशय वो अपनी इकलौती औलाद अनिमेश के साथ इस ब्लाइंड स्कूल की छात्री सुजाता की शादी करवाएंगे। नवीन मल्लिक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।